हर एक्सपैट्रिएट इंजीनियर और टेक्नीशियन को सऊदी अरेबिया में अपना इकामा रिन्यू करवाने के लिए सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर की मेंबरशिप को रिन्यू करवाना पड़ता है। अगर आप ऑलरेडी सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में रजिस्टर्ड नहीं हैं तो मैंने ऊपर एक वीडियो शेयर की है, आप इस प्रोसीजर को फॉलो करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको ये वेबसाइट ओपन करनी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपको अपना अकाउंट लॉग इन करना पड़ेगा। तो जब आप लॉग इन कर लेंगे अकाउंट, तो आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें, नीचे आएँ और यहाँ पर एक ऑप्शन है रिन्यू मेम्बरशिप का, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, रिन्यू मेम्बरशिप के ऊपर। जब आप ये क्लिक करेंगे तो एक न्यू पेज ओपन होगा जिसके अंदर लिखा आएगा कि आपके पास कोई भी रिक्वेस्ट नहीं है, देर आर नो रिक्वेस्ट टू शो। आपको क्या करना है, आपको ऐड न्यू रिक्वेस्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। अब उसके बाद एक न्यू पेज ओपन होगा जिसके अंदर आपको तीन डिटेल्स ऐड करनी है। वो कौन सी हैं, वो नंबर वन है ड्यूरेशन जिसके लिए आप अपनी मेंबरशिप रिन्यू करवाना चाह रहे हैं। ये याद रहे कि यहाँ पर अगर आप 2 और 3 ईयर्स सेलेक्ट करेंगे तो उसी हिसाब से आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी। फ़ी जो इंजीनियर्स की रिन्यूअल है, सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स की रिन्यूअल फ़ी जो है इंजीनियर्स की, वो है 250 रियाल ईयर और टेक्नीशियंस की 200 रियाल पर ईयर है। तो इसके बाद आपको अपना इकामा नंबर डालना पड़ेगा और इकामा एक्सपायरी डेट डालना पड़ेगी। मेक श्योर करें कि इकामा एक्सपायरी डेट आप अपने वो वाली नहीं डालें जो आपके इकामा के कार्ड के ऊपर लिखी हुई है, बल्कि अपशर के अकाउंट से लॉग इन करके अपनी इकामा एक्सपायरी डेट निकालें और वो डालें। इसका भी मैंने प्रोसेस ऊपर वीडियो में टैग कर दिया है। इसके बाद क्या होगा कि आपका आपकी रिक्वेस्ट जो है वो सबमिट हो जाएगी। आपके पास एक इस तरह का पेज ओपन होगा कि आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, आपको थोड़ा वेट करना है। आफ्टर लाइक अ कपल ऑफ आवर्स, आफ्टर 2 आवर्स आप दोबारा अपने अकाउंट में जाएं और मैसेजेस के ऑप्शन में जाएं, और तो यहाँ पे आपको एक मैसेज आया हुआ होगा। इस मैसेज के अंदर ये पेमेंट रिक्वेस्ट का मैसेज है। इस मैसेज के अंदर आपको सदाद रेफरेंस नंबर दिया होगा। इस सदाद रेफरेंस नंबर को आपने नोट डाउन कर लेना है और इसके थ्रू आपने पेमेंट करनी है सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर की। तो ये पेमेंट के लिए भी मैंने एक वीडियो है बनाई हुई है, वो मैंने ऊपर टैग कर दिया, आप उसको उससे गाइडेंस ले सकते हैं आप किस तरह पेमेंट कर रही हैं। जब आप पेमेंट कर देंगे तो फिर आप कुछ टाइम दें और दोबारा अपने अकाउंट को लॉग इन करें, तो आपको एक न्यू मैसेज आया होगा और वो मैसेज होगा कि सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स रिन्यूअल एक्सेप्टेड। तो इसका मतलब यह है कि आपका इकामा जो आपकी जो रिन्यूअल है सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर की वो हो चुकी है। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ कि आपको हर आप अगर आपका इकामा जो है वो अगर आप इकामा रिन्यू करवाना चाह रहे हैं और कोई प्रॉब्लम है आपकी सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर की मेम्बरशिप की रिन्यूअल में, तो अगर आपकी सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर की मेंबरशिप 1 दिन के लिए भी वैलिड है तब भी आप अपना इकामा रिन्यू करवा सकते हैं।